कभी कभी सिचुएशन ये आ जाती है कि पतले पतले दस्त बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इवन दस्तों में खून भी आने लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। तो मार्केट में एक ड्रग बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका नाम है सेट्रोजिल ओ। तो ये काम कैसे करता है, इसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके अंदर दो मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनका नाम है सेट्रानिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन। आप जानते ही हैं कि जो हमारा ओफ्लोक्सासिन है, ये काफी पुराना एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। अगर मैं बात करूं कि ये सेट्रानिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन काम क्या करते हैं, ये दोनों ही एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स माने जाते हैं, जो कि मदद करते हैं बैक्टीरियल और पैरासिटिक इंफेक्शंस को ठीक करने में। यानी कि जब भी कोई एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, चाहे वो बैक्टीरिया है या वो पैरासाइट है, तो वो अगर इंफेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, तो ये ड्रग को लेने के बाद सेट्रानिडाजोल और ओफ्लोक्सासिन उससे लड़ने में मदद करते हैं, उससे बचाने का काम करते हैं हमारे शरीर में। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं। इसे हम डायरिया में इस्तेमाल करते हैं, जब हमें वाटरी स्टूल्स होते हैं, यानी कि पतले पतले दस्त आते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन है डायसेंट्री। आप कहेंगे सर डायसेंट्री भी तो डायरिया से मैच करता है, लेकिन एक डिफरेंस है कि डायसेंट्री जब किसी को होता है, तो यानी कि दस्तों में लेट्रिन के रास्ते बेसिकली खून भी आता है, ठीक है, जो मल निकलता है हमारे शरीर से उसमें खून भी आता है। तो इन दोनों कंडीशंस को ठीक करने के लिए इस पर्टिकुलर ड्रग को, यानी कि जो सेट्राजिल ओ है, उसे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा इसे हम बड़े को देते हैं, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, अडल्ट्स को ही इस ड्रग को दिया जाता है। तो एक टैबलेट दिन में एक बार देनी चाहिए, या फिर जो आपका फिजिशियन या डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, उसके अनुसार आप इसकी डोज रख सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कभी भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। अब बात आती है कि हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, सेफ्टी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। हमेशा दवा को इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल जरूर पढ़ लें। कभी भी इसे जो है गर्म जगह पर नहीं रखना है, यानी कि सनलाइट के एक्सपोज में नहीं लाना है, सनलाइट से टच में नहीं लाना है। हमेशा इसे ठंडी जगह पर और सूखी जगह पर ही रखना है। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। बच्चों को नहीं पता होता है कि दवा क्या होती है क्या नहीं होती, अगर वो मुंह में डाल लेते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, लैक्टेशन पे होती हैं, यानी कि गर्भ धारण कर चुकी होती हैं या स्तनपान करा रही होती हैं, तो उन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है और कभी भी इस दवा को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। यानी कि डॉक्टर की सलाह किए बिना आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें, ना तो शुरुआत करें और ना ही बंद करें। तो ये सब सावधानी हमें बरतनी होती है जब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी सेट्रोजिल ओ टैबलेट के बारे में, जो कि इस्तेमाल की जाती है दस्तों को, या जो खूनी दस्त हो जाते हैं उनको ठीक करने में। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।